अपने अमर शहीद रमेश जुगल जी के मूर्ति अनावरण समारोह में अपने आप को पाकर के अपना बहुत बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और इस धरती को नमन कर रहा हूँ। आप सब गुजरात जो यहाँ आसपास के जो लोग आए हैं इस मूर्ति अनावरण समारोह में, उनका भी जो है आभार है, अभिनंदन है कि ये जिस तरह से एक देश का सैनिक अपने राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है, तो हम सब देशवासियों का दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हम भी उसकी शहादत में अपना कुछ ना कुछ उनको दें, उनके परिवार को सांत्वना दें, उनके सम्मान करें। तो आज जो शहीदों को जो सम्मान दिया जा रहा है, इससे एक राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम यूथ में बढ़ता हुआ चला रहा है। और मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ, मैं गुजरात वासियों को और आप सबको इस समारोह की भव्यता बनाने के लिए और इस सैनिकों को सम्मान देने के लिए आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। आपने अलग से एक शुभ संदेश जूनागढ़ से बिल्कुल मैं भाई संयुक्त ही रेजिमेंट मोर्चा का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारे यादवों ने, यादव समाज ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। अभी 1962 में रजांगला का युद्ध, उसमें 114 हिंदुस्तान के अहीर योद्धाओं ने 2500 चाइनीज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और आज भी हम देखते आ रहे हैं हर हफ्ते जब कोई देश का सैनिक शहीद होता है तो एक हफ्ते के अंदर एक उनमें हमारा शहीद होने वाला यादव सैनिक होता है। तो जब शहादत की बात हो रही है तो हम एक उस शहादत के सैनिकों को एक मान देने के लिए, सम्मान देने के लिए मैं सरकार से बस इतना ही निवेदन कर रहा हूँ कि उनको एक पहचान दे दीजिए अहीर रेजिमेंट, ताकि वो उनको एक हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें और सेना और राष्ट्र इस रेजिमेंट से और ज्यादा मजबूत होगा और ज्यादा सशक्त होगा। और मैं आशा और अपेक्षा करता हूँ कि संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपील जो सरकारें जरूर सुनेगी। थैंक यू।